अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले क्या हाल चाल है? अच्छा जी, देखो आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एडवांस पीआरपी करवाने के लिए। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये पीआरपी क्या चीज है, ये मैं आप लोगों को अभी शॉर्ट में समझा देता हूँ, लेकिन मजीद इसी वीडियो में आप आगे देख लोगे टोटल तरीके से कि ये पीआरपी क्या चीज है, ये कैसे होता है, और एक डॉक्टर, मेरे जो खुद के डॉक्टर है जिन्होंने मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, वो आप लोगों को तरीके से समझा देंगे। लेकिन उससे पहले जरा मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझा देता हूँ ये क्या होता है। सही है, पीआरपी होता ये है कि जिस बंदे को भी पीआरपी करवाना होता है, सबसे पहले उनसे ब्लड लिया जाता है। अब ब्लड लेने के बाद उस ब्लड को एक खास मशीन में डाला जाता है, जिस मशीन का काम ये होता है कि वो उस ब्लड में से कुछ खास चीजों को अलीहदा करता है, जैसे कि व्हाइट सेल, प्लाज्मा, इस तरह की कुछ चीजें होती है जो मैं डॉक्टर आपको बेहतर तरीके से समझा देंगे कि क्या चीजें होती है। उस चीजों को अलीहदा करने के बाद उनको इंजेक्शन के जरिए यानी कि सिरिंज के जरिए पूरे सर के अलग अलग हिस्सों में इंजेक्ट किया जाता है, पूरे सर के अलग अलग हिस्सों में, और उसके बाद एक सिंपल सा मसाज किया जाता है, बिल्कुल सिंपल सा, और बस यही होता है पीआरपी, यहीं पे खत्म। और ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। चलो आप जरा अपने डॉक्टर के पास चले। आज हम दिखा रहे हैं अगेन, हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं, इसमें थोड़ी सी हमने चेंजेस की है। ये देखें, ये प्लाज्मा है, जितना हमने इनका ब्लड लिया था उसमें से जो प्लेटलेट्स जो थे, ये हमने प्योर जो प्लेटलेट्स थे हमने इनको एक्सट्रैक्ट किए हैं। इसमें से ये जो प्योर जो निकलता है वो ये है, जस्ट बाकी जो है वो हम इसको भी इंजेक्ट करेंगे। इनका जो ट्रांसप्लांट हुआ है इसमें अब इनके जो 5 मंथ हुए हैं, हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इनका जो प्लाज्मा हमने इंजेक्ट करना है, इनके जो पेशेंट की जो कंप्लेन होती है 5 मंथ तक, उसकी ये कंप्लेन होती है कि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, हमारी जो चीज़ें हैं हमने पैसे दिए थे बला बला बला, तो पेशेंट बहुत कन्फ्यूज होता है। तो 3 मंथ से तो ग्रोथ स्टार्ट होती है, क्योंकि अभी 5 मंथ हुए, ये अभी थोड़े से डिस्टर्ब थे। तो अब हम इनका एडवांस पीआरपी कर रहे हैं, जो हमने बहुत अच्छा जो प्लाज्मा होता है वो हमने इनका निकाला है और वही हम इंजेक्ट करेंगे। तो 1 मंथ के बाद इंशाल्लाह इनका जो रिजल्ट होगा तो हम आपसे शेयर करेंगे। अब ये आप देखें, ना इनको कोई पेन है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम पीआरपी से इनको पेन होता है, ट्रांसप्लांट से वो भी होता है, तो ना ट्रांसप्लांट में कोई ऐसी चीज़ है ना कोई पीआरपी में। तो मैं कहूँगा कि आप सामने आए इनका इंटरव्यू देखें। तो भाई आप ये बताएं कि आपको कोई पेन हो रहा है? नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, आप बताएं? बिल्कुल सिंपल है, कोई पेन नहीं है, लोग वैसे ही डरते हैं, फिलहाल वैसे कुछ होता नहीं है, और आप नॉर्मली रहो, कुछ भी नहीं हुआ। देखिए अभी इनका पीआरपी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ना इनको कोई पेन है माशाल्लाह से। अब इनका जो रिजल्ट है वो स्टार्ट हो गया ट्रांसप्लांट के बाद, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंथ की भी वीडियो हम आपसे शेयर करेंगे, जब रिजल्ट इनका कंप्लीट होगा वो भी शेयर करेंगे। थैंक यू। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पीआरपी के बारे में कंप्लीट पता चल गया होगा कि ये क्यों ज़रूरी इतना, और उसके बाद हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने नए रिजल्ट के साथ बालों के। तकरीबन 1 महीने के बाद वीडियो आएगी जो बालों की होगी, सही है? अभी तो फिलहाल नॉर्मली कॉन्टेंट वाली वीडियो आती रहेगी, और उसके बाद बस एंड में यही बोलूँगा कि लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करो ज़रूर ज़रूर ज़रूर। हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए, अरे कर दो ना मत शर्माइए। हाँ हो गया, जा चलो अब जाइए।